मित्रों, मैं आपका मित्र दीपक तनेजा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके सबसे लोकप्रिय चैनल योर काल चक्रा में। मित्रों, आज आदरणीय उत्तरा दीदी, हमें फलित के समय क्या क्या विशेष बातों पर ध्यान देना चाहिए, उस विषय का मार्गदर्शन कर रहे हैं। ये सभी के लिए बहुत उपयोगी रहेगा। मैं आप सभी के सहयोग से उनका स्वागत करता हूं। नमस्कार दीदी, आपका स्वागत है। नमस्कार नमस्कार दीपक जी, आज बड़ा हमने रोचक विषय फिर ले लिया है कि फलित के समय हम किन किन बातों का ध्यान रखें। पिछला जो हमारा था कि हमारे भविष्यवाणियां जो हैं गलत क्यों होती हैं, इसके हमने कुछ कारण बताए। इसमें हम देख रहे हैं कि जब हम प्रिडिक्शन करते हैं एक ज्योतिषी, उस समय उसे किन किन बातों का प्रमुख रूप से ध्यान रखना चाहिए। इसमें सबसे पहले तो ये है, जो मूल सिद्धांत है जो हम ध्यान नहीं रखते अक्सर, कि व्यक्ति को, जातक को, यदि वो अपने रोग से संबंधित कुछ बात पूछने आया है, बीमारी से संबंधित, तो कभी भी उसको हतोत्साहित करने वाली बात नहीं कहनी चाहिए। नंबर वन, इनडायरेक्टली या घुमा फिरा के, मतलब जिस तरह से भी आप थोड़ा सा पॉजिटिव होकर बता सकते हैं उस तरह से उसको बताइए। कभी भी आसन्न संकट की भविष्यवाणी, आने वाले संकट की भविष्यवाणी जातक को नहीं बताएं, विशेष रूप से व्यक्ति विशेष को जिसकी कुंडली में वो हमें दिखाई दे रही है। अगर हमें कुछ दिख रहा है तो हम उनके रिश्तेदारों को, उनके पहचान वालों को बता सकते हैं, लेकिन उस स्वयं उस व्यक्ति को हमें नहीं बताना चाहिए, कभी भी नहीं बताना चाहिए। तीसरी बात है कि अक्सर लोग हमसे पूछते हैं कि मैं कब बीमार पड़ूंगा या मेरे को कौन सी बीमारी होगी। रोग विशेष का समय कभी नहीं बताना चाहिए व्यक्ति, वरना वैसे ही पहले ही आधमरा हो जाए सोच छोट के ही, डर के मारे उसकी मानसिक जो क्षीण बल है वो तो वैसे ही क्षीण हो जाए। और मृत्यु संबंधी भविष्यवाणी कभी नहीं करनी चाहिए इनडायरेक्टली, उसको महामृत्युंजय का पाठ करिए या फिर दोनों तरह से उससे शांति मिल जाती है, व्यक्ति बच भी जाता है और शांति भी प्राप्त करता है। इस तरह से उसको बोलकर इनडायरेक्टली हिंट देना चाहिए। कभी भी मृत्यु की भविष्यवाणी आपको दिख रहा है तो भी ना उस व्यक्ति को, उसके रिश्तेदारों को हल्का सा हिंट दिया जा सकता, टाइम बहुत खराब है। ये तो हो गई एक सामान्य भविष्यवाणियों के बारे में हमें ध्यान रखना चाहिए। अब है कि ग्रह और भावों से संबंधित भविष्यवाणी हम किस प्रकार जब करते हैं तो उनका ध्यान रखिए। सबसे पहले हमें ये देख लेना चाहिए कि ग्रह किस राशि में, वो बलवान है या कमजोर है, जैसा हमने उच्च का है या नीच का है, स्वक्षेत्री है या शत्रु क्षेत्री है या मित्र क्षेत्री, ग्रह की अपनी प्रकृति कैसी है। हमने देखा है दो तरह के ग्रह हैं, जो पाप ग्रह और शुभ ग्रह, तो उनकी स्वाभाविक प्रकृति कैसी है, वो नैसर्गिक शुभ ग्रह है या नैसर्गिक पाप ग्रह, क्योंकि वो भी समय समय पर उनका नैसर्गिक प्रवृत्ति है वो काम करती है। वो अच्छे भाव से जुड़े रहते हैं तब भी जो है उनकी नैसर्गिक पाप प्रकृति उन्हें पाप करने के लिए उकसाती है। और एक और चीज है कि जो नैसर्गिक पाप ग्रह है मंगल शनि और राहु, जब हम बीमार पड़ते हैं या हम अस्वस्थ होते हैं उस समय वो अपना पूर्ण, जो हमारी से शत्रुता निभानी चाहिए वो पूरी शत्रुता निभा, वो बिल्कुल हमारे साथ नरम व्यवहार नहीं करते, बिल्कुल हमें लीनियंसी दिखाते ही नहीं है। फिर उसके बाद है कि कुंडली में अपनी स्थिति और भावों के आधार, स्वामित्व के आधार पर ये हमारे लिए लाभदायक है या हानिकारक है, ये हमें अवश्य देख लेना चाहिए। वो नैसर्गिक पाप ग्रह होकर भी हमारे लिए लाभदायक है या नैसर्गिक शुभ ग्रह होकर हमारे लिए लाभदायक है या नहीं, या अकारक है, मतलब शुभ है नैसर्गिक रूप से लेकिन हमारी कुंडली में अच्छे भावों के स्वामी नहीं है, इस चीज का हमेशा ध्यान रखना तो हमें फलित करने में आसानी रहेगी। इसके बाद जिस राशि में ग्रह स्थित है वो सम राशि है या विषम राशि, मतलब मेल राशि है या फीमेल राशि है, 1, 3, 5, 7, 9, 11 है या स्त्रिया राशि है, 2, 4, 6, 8, 10, 12 मानवीय राशि है या पशु राशि, मूक राशि है या वाक राशि, कई बार वाणी से संबंधित दोष भी आता है उसमें, ये चीज हमेशा ध्यान देने वाली होती है कि वाक राशि में ग्रह बैठा हुआ है, जैसे बुध और केतु, इनका जो है हमारे बोलने से बहुत संबंध है, तो जब किसी के लिए बोलने में कोई परेशानी आती है, कोई हकलाता है या नहीं बोल पाता है, उस समय ये हमें जरूर देखना चाहिए कि बुध और केतु किस राशि में बैठे। जो जल तत्व की राशि है वो मूक राशि है,
और वायु तत्व की राशियां वाक राशि, क्योंकि हवा चाहिए हमें बोलने के लिए। हवा नहीं होगी तो हम नहीं बोलेंगे। हम पानी के अंदर चले जाते हैं, नदी में अंदर या समुद्र में अंदर या स्विमिंग पूल के अंदर जाते हैं तो हमारी आवाज नहीं निकलती है। ये चीज, इसलिए वाक तत्व, जो जल तत्व की राशियां हैं वो मुख राशि है, मतलब जिन बोलने में हमें हेल्प नहीं करती। इसके अतिरिक्त ग्रह अग्नि तत्व की राशि में है या भू तत्व की राशि में या जल तत्व की राशि में या वायु तत्व, ये हमेशा देख लेना चाहिए, क्योंकि उसी के अनुसार वो फल भी प्रदान करते हैं। फिर वो राशियां जो है खुद फलदायी राशि में है ग्रह, या बांझ राशि में है, या अर्ध फलदायी राशि में। फलदायी राशियां जो है चारों जल तत्व की राशियां हैं, बांझ राशियां हैं 1, 5, 3 और 6 बुध की दोनों राशियां और मेष और सिंह राशियां। अर्ध फलदायी में आती है वृषभ और ये जो तुला है, कुंभ राशियां हैं, ये सब आती है। इसके बाद हमें ये भी देख लेना चाहिए कि क्या ग्रह किसी अन्य ग्रह के साथ युति बना रहा है या किसी अन्य ग्रह के साथ दृष्टि संबंध बना रहा है, राशि परिवर्तन कर रहा है या नक्षत्र परिवर्तन। इस तरह के चारों संबंध भी जो है हमें देख लेने चाहिए, और ये ध्यान देना चाहिए कि जो आपस में ग्रह संबंध बना रहे हैं वो अच्छे भावों के स्वामी हैं या खराब भावों के। कुंडली में हमारे कार्यों के हिसाब से वो अच्छे हैं तो वो हमारे लिए अच्छे हैं, हमें अच्छे परिणाम देने, और अच्छे भाव विशेष रूप से हमारा 6ठा, 8वां, 12वां भाव खराब माना गया है, लेकिन ये भाव भी लाभ भाव से जुड़कर हमें कुछ ना कुछ लाभ अवश्य दे, तो ये चीज हमें देख लेना चाहिए। और ग्रह जो है हमारा वो शुभ भाव में बैठा है या दूर स्थानों में बैठा हुआ है, या फिर नक्षत्र किस नक्षत्र में बैठा हुआ है, उस नक्षत्र का स्वामी अच्छे भावों का स्वामी है या खराब भावों का स्वामी। इसके बाद हमें ये देखना चाहिए कि कृष्ण मूर्ति पद्धति से जो हम देखते हैं कुंडली का पूरा निर्माण कर लेना चाहिए और सूचक ग्रह निकाल लेने चाहिए, सिग्निफिकेटर प्लैनेट्स, और ये देख लेना चाहिए, एक लिस्ट बन जाती है हमारे पास कि कौन कौन से ग्रह हमारे लिए अच्छे हैं, फलदायक हैं, और कौन कौन से ग्रह खराब फल देने वाले हैं, कौन कौन से ग्रह मिश्रित फलदायक हैं। अक्सर ऐसा होता है मिले जुले अच्छा फल भी देंगे खराब फल देंगे, ये चीज हमें अलग से देख लेनी चाहिए। कृष्णमूर्ति में एक और चीज हम देखते हैं कि प्रत्येक भाव का सबलॉर्ड कौन सा ग्रह है, क्योंकि उस भाव से संबंधित जो भी प्रश्नों के उत्तर हैं वो पॉजिटिव होंगे या नेगेटिव होंगे वो सबलॉर्ड वहां का डिसाइड करता है। इसके अतिरिक्त प्रत्येक ग्रह किसके सब में है, किस ग्रह के सब में, वो ग्रह स्वामी जो है उप स्वामी जो है वो भी हमारे लिए उस ग्रह के द्वारा जो हमें फल मिलते हैं उनको पॉजिटिव या नेगेटिव बनाने में मदद करता है। कई बार हमने देखा होगा कि हमारा काम बनते बनते बिगड़ जाता है, इसके पीछे यही रीजन होता है कि जो हमारा सबलॉर्ड है उस ग्रह का वो पॉजिटिव नहीं है, जाते जाते हमें नुकसान कर देता है, सब कुछ ठीक चल रहा है एंड में। और कभी कभी ऐसा होता है कि जब सबलॉर्ड अच्छा होता है और नक्षत्र स्वामी अच्छा नहीं है तो बहुत बाधाएं आती हैं, लेकिन अंत में हमें सफलता मिल जाती है, इसके पीछे यही रीजन। फिर हमें ये अवश्य देखना चाहिए कि कौन सी दशा चल रही है, कौन सी अंतरदशा और कौन सी प्रत्यंतर, ये तीन अवश्य देखने चाहिए, वही हमारे लिए हमें फल कब मिलेगा इस प्रश्न का उत्तर। और इन तीनों ग्रहों का हमें गोचर भी देख लेना चाहिए, महादशा स्वामी, अंतरदशा स्वामी और प्रत्यंतर दशा, एटलीस्ट इनको हम देखकर यदि बताएंगे तो हमारे जो फलित हैं वो सही निकलते हैं, गलत नहीं निकलते। हालांकि मैं इस बात पर बहुत ज्यादा पूछती नहीं रहती हूँ, लेकिन लोग व्यक्ति खुद ही आके मुझे बताते हैं कि हाँ मैडम आपने उस समय बताया था और सही आया था, तो इससे हम और प्रोत्साहित होते हैं कि हाँ भाई जो हम निर्णय ले रहे हैं दोनों को देखकर वो सही है। अब होता है हमारा एक तो कुंडली में सामान्य विश्लेषण है, जनरल कि भाई जनरल कैसा रहेगा, स्वास्थ्य कैसा रहेगा, उसका जीवन स्तर कितना उठेगा, हेल्थ कैसी रहेगी, बच्चे परिवार कैसा रहेगा, ये सामान्य विश्लेषण। और कभी कभी व्यक्ति को कोई विशेष समस्या होती है उस भाव से जुड़ा हुआ जो विश्लेषण कहलाता है वो विशिष्ट विश्लेषण। इन दोनों को हमें ध्यान से देख लेना चाहिए कि भाई किस प्रकार हम इसका विश्लेषण करें और इसमें अंतर स्थापित। अब आता है जो हम गोचर देखते हैं
एक चीज का और हमें ध्यान रखना चाहिए कि जो जमीन जायदाद और लंबे समय तक चलने वाले जो काम होते हैं हमारे, उनके लिए हमें शनि का और राहु का गोचर देख लेना चाहिए कि आकाश में शनि और राहु कहाँ गोचर कर रहे हैं, हमारे फेवरेबल हाउसेस में कर रहे हैं कि नहीं, वो हमें हमारा फेवरेबल कार्य करवाने में मदद करते हैं। उसके बाद एक वर्ष में जो कार्य हमारे समाप्त हो जाते हैं मोस्टली, उसके लिए हमें गुरु का गोचर देख लेना चाहिए, जैसे विवाह है, संतान है, या आप तुरंत साल भर के अंदर कोई कार्य व्यवसाय शुरू करने वाले हैं इस प्रकार। और एक महीने के अंदर जो हमें कार्य देखने होते हैं या एक महीने के अंदर समाप्त होने वाले कार्य रहते हैं, उसके लिए हमें सूर्य का गोचर देखना चाहिए कि सूर्य हमारे लिए फेवरेबल अवस्था में है नहीं, नहीं। प्रतिदिन का गोचर देखने के लिए रोज तो हमें देखना चाहिए कि चंद्रमा आज किस नक्षत्र में चल रहा है। आज का जैसे अगर हम देखना चाहें तो हम देख सकते हैं कि आज चंद्रमा मेष राशि में अश्विनी नक्षत्र, तो केतु जो है मेरे लिए क्या फल दे रहा है, उस हिसाब से हम अपने लिए तुरंत जज कर सकते हैं कि केतु यदि मेरी कुंडली में अच्छे फल देने वाला है तो मेरा दिन आज अच्छा जाए। इसके बाद आता है अगर हम समय भी निकालना चाहें कि मेरा ये 2 घंटे का समय कैसा जाएगा, तो उसके लिए हमें लग्न का गोचर, उदित लग्न कि अभी कौन सी लग्न उदित है, उसका गोचर देख लें कि अभी ये लग्न उदित है। मान लीजिए कि अष्टम भाव में मेरे कौन सी लग्न है, राशि है, वो राशि यदि उदित है इस समय तो वो मुझे एक आध चिंता अवश्य देकर जाएगी, लेकिन जैसे ही वो राशि आगे बढ़ जाएगी, दूसरी राशि उदित हो जाएगी, तो मेरी चिंता समाप्त हो जाएगी। इस तरह से हमें जो फलित करते समय इन कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए, अगर हम इनका ध्यान रखेंगे तो हमारे जो फलित है, प्रिडिक्शन है, वो गलत नहीं होंगे और हम सही लोगों का मार्गदर्शन भी सही कर पाएंगे और लोग प्रसन्न होकर अपने घर जाएंगे या हमसे मिलकर प्रसन्नता में। एक बार फिर बहुत ही बढ़िया वीडियो, जिसे कहते हैं कंप्लीट वीडियो। ये सभी की सभी बातें हर एक ज्योतिष को हमेशा ही ध्यान रखनी चाहिए। बहुत ही बारीकी वाली बातें आज आपने बताई दीदी, और अक्सर इन्हीं प्रकार की गलतियों के कारण से ही ज्योतिष जो है वो सही निर्णय नहीं ले पाता या उसका निर्णय गलत होता है, तो उसको फिर बाद में अपमान भी सहना पड़ता है कई बार लोग। और ज्योतिष शास्त्र की बदनामी होती है, सबसे बड़ी बात तो यह है कि ज्योतिष शास्त्र को लोग बदनाम करते हैं कि नहीं ज्योतिष शास्त्र में कुछ नहीं है जी। तो एक बहुत बहुत शानदार वीडियो, हृदय से धन्यवाद, आभार। और आदरणीय उत्तरा दीदी शिक्षा एवं कंसल्टेंसी दोनों सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, आप उनमें से जो सर्विस उनसे लेना चाहते हैं आप उनको डायरेक्टली अप्रोच कर सकते हैं। दीदी का मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस यहाँ दिया हुआ है, आप उन्हें डायरेक्टली अप्रोच करें। इसी के साथ नमस्कार, धन्यवाद। नमस्कार।